सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज की डेट में इतनी ज़्यादा पॉपुलर ट्रेंडी कार है कि टाटा तो मतलब कंपनी है, कार नहीं है, टाटा पंच। बेसिकली आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पंच खरीदी होगी, बुकिंग पे बहुत ज़्यादा, और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि हाँ भाई प्योर वेरिएंट परचेस करके, प्योर इन द सेंस की बेस वेरिएंट परचेस करके क्या उसके अंदर कुछ मॉड करवाने चाहिए। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि हाँ भाई बेसिक एक्सेसरी तो एटलीस्ट लगवा लो, और अगर हाई एंड पसंद करते हो फिर तो बहुत ही कुछ अवेलेबल है। जैसे कि आज अपने पास ये गाड़ी है कि टाटा पंच, ये है पंच का आप लोगों का टॉप से एक नीचे वेरियंट। इसके अंदर चार आते हैं, मैं एक बार आपको पीछे से दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से देखो, ये है पीछे से टाटा पंच, और यहाँ पे पंच की ब्रांडिंग वगैरह मिल जाती है, इसमें कैमरा वगैरह सारा आ जाता है क्योंकि टॉप से एक नीचे वेरिएंट है। बट इसके अंदर भी फिर भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज हैं जो इंस्टॉल होती हैं और हो भी रही हैं। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आपका बेस वेरिएंट, आपको ये सारी चीज़ें ओरिजिनल टाटा वाली लगानी है, तो वो भी अवेलेबल रहती हैं। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ, आपको फ्रंट ही दिखाता हूँ मैं गाड़ी का, क्योंकि जब आप एक टॉप से नीचे वेरिएंट परचेस करते हैं तो इसके अंदर फ्रंट की जो लाइट्स हैं वो आपकी हैलोजन ही मिलती हैं। ये जो मेन लाइट है आपको हैलोजन ऑफर करती है यहाँ पे कंपनी, जिसको भाई हम अपग्रेड कर रहे हैं एलईडी है भाई। बिल्कुल भाई, इसमें भाई एलईडी लगा रहे हैं, ऊपर की साइड में D18 वाली, नीचे की तरफ में प्रोजेक्टर लगाया IPH, और IPH के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल करी हुई है अपनी 65 वॉट की जिमर की एलईडी। अब इसके कनेक्शन का क्या हिसाब किताब रहता है वो मैं आपको भी आगे दिखा देता हूँ। और ये क्या चीज़ है भाई, ये पुराने वाला, अच्छा इसमें लगा हुआ आया था, ये पुराने वाला चेंज करवाया है। और अगर आपकी में है ही नहीं ना तो आप लगवा सकते हो, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। अगर आपकी गाड़ी में नहीं है तो इसको निकलवा के IPH प्रोजेक्टर डलवाओ, इसका थ्रो बहुत अच्छा मिल जाता है। इसके अंदर अगर आपको थोड़ी सी हाई एंड वाली लाइट पसंद करते हो ना, तो लेज़र वाली इसके अंदर फॉग लैंप में लगवा सकते हो, लाइट लेज़र बीम जैसी, मतलब यहाँ से आपकी बहुत दूर तक लेज़र जाएगी और आगे जाके रोड पर विजिबिलिटी दिखाएगी। हाईवे के लिए थोड़ी सी बेटर हो सकती है, और डिपेंड करता है कि आपको किस रोड कंडीशन में कितनी कार को रन करना है। ये यहाँ पे इसके अंदर जो DRLs आते हैं देखो, वो निकाल के रखे हुए हैं भाई ने बिल्कुल, ये मतलब ऊपर की तरफ ही इन लॉक्स के अंदर यहाँ पे लगी रहती है, इसको निकाले हैं। और भाई अभी आप कर रहे हो कनेक्शन? अभी नहीं, अभी फिट कर रहे हैं। अच्छा अभी भैया फिट कर रहे हैं, तो फिटिंग वगैरह तो इसकी बिल्कुल सेम एज इट इज वही रहेगी, कुछ चेंज वेंज तो होगा नहीं, निकालो लगा दो। और फिर कपलर टू कपलर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो फ्रेम में साइज करवा रहा हूँ। अच्छा आपकी कार है? हाँ। अच्छा मुझे लगा नहीं भैया की कार है, भैया यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हेल्प कर रहे थे। अच्छा तो भैया आप मतलब ये वाली लाइट क्यों चेंज करवा रहे हो? ये वाली अच्छी, मुझे काफी इसे ब्राइटनेस कम दिखती है, विजिबिलिटी कम थी। तो हाईवे रन ज्यादा है आपका? हाँ। अच्छा हाईवे रन आपका ज्यादा, कहाँ से आए हो आप? नरेला डेली, मतलब यहीं से पास से आए हैं। और टाटा पंच के ये आपका टॉप से एक नीचे वेरिएंट है। हाँ। सभी कुछ है इसके अंदर, बस छोटी मोटी चीजें लगवा रहे हो आप। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि अभी देखो एलईडी लगने देते हैं, नीचे फॉग लैंप लगने देते हैं, और फिर आपको मैं इनका ना थ्रो दिखाऊंगा, एक बार इस रोड पे भी दिखा देंगे और एक बार अंधेरे वाली रोड पे देख लेंगे कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है। नेक्स्ट चीज, अगर आप लोग कोई सा भी वेरिएंट परचेस करते हो ये तो भाई मैंडेटरी रहता है टॉप वेरिएंट को छोड़कर, ये है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे देखो भैया ने प्रॉपर पूरे तरीके से रैप कर दिया है, रैप के साथ साथ इसके अंदर फिटिंग कैसी आ रही है, बिल्कुल बुलबुल के बच्चे वाली फिटिंग देख लो भाई, एकदम एक नंबर देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे, एकदम प्रॉपर रैप है टुकड़ों में, यहाँ ओरिजिनल टाइप में। हाँ जैसे कि यहाँ देखो 1, 2, 3, 4 है, और यहाँ पे पूरी रेड कलर की थ्रेडिंग वाले डिजाइन के साथ इसको प्रॉपर रैप कर दिया है, तो देखने में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मस्त लग रहा है। और अगर किसी का प्योर वेरिएंट है ना बेस वेरिएंट, तो एक मिनट हाथ हटाना, अगर आप चाहो तो बटन वगैरह लगवाने के लिए ये भी ना अवेलेबल होंगे, आप कॉल करके पता कर लो, ये मिल सकता है। क्रूज कंट्रोल है मैं इस गाड़ी का कह नहीं सकता मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज़ तो आपको एटलीस्ट मिल ही जाएगी। बाकी इसके अंदर हारमोन का म्यूजिक सिस्टम आपको ऑलरेडी मिलता है। अगर आपका प्योर वेरिएंट है या बेस वेरिएंट है तो आप लोग ये वाला सिस्टम भी लगवा सकते हो हारमोन का, या फिर अगर चाहो तो एंड्रॉइड स्क्रीन लगवा सकते हो अलग से, सेम ऐसी स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो होती है वैसी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे टाटा पंच की इसके अंदर अभी भाई वो लग रही है इसको प्लेट्स, जिनके अंदर आपको पंच की लाइट जलेगी। एक बार सीट कवर्स और देख लेते हैं। देखो सीट कवर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे कि आप लोगों को मतलब वेंटिलेटेड सीट्स होती हैं आप कुछ उस टाइप से कह सकते हो, वैसे सी डिज़ाइन के साथ देखने के लिए मिलेंगे। फिटिंग चेकआउट कर लो एक बारी, ये पूरा प्रॉपर अच्छी फिटिंग है नो डाउट। नीचे की साइड में फिटिंग देख लो प्रॉपर, कुशनिंग वगैरह जो है वो भी काफ़ी सही है, देखो कुशनिंग भी काफ़ी ज़्यादा इनहांस हो गई है, और साथ के साथ यहाँ पर रेड और ब्लैक कलर का जैसे एयर वेंटिलेशन वाला रहता है वाला डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा इधर की साइड, और आपका यहाँ पर बैक वाली साइड में मिल जाएगा। ये थोड़े बहुत जो रिंकल टाइप नज़र आ रहे होंगे ये कैमरे में नज़र आते हैं, रियल लाइफ में इतना नज़र नहीं आते जो रियलिटी है। बाकी ये फोल्ड होकर रखे रहते हैं, इस वजह से भी थोड़ा सा आपको लग सकता है कि हाँ भाई आपको ऐसे से नज़र आ रहे हैं। बाकी मैंने आपको रूफ रेल्स का इसके अंदर पहले दिखा दिया था, यहाँ पे देखो रूफ रेल्स के लिए, अगर आप लोग रूफ रेल्स चाहो लगवानी तो लगवा सकते हो, ये नॉर्मल ऐसी ब्लैक कलर की, बट ये एक चीज़ अच्छी लगी मुझे इसकी, जब ये देखो इस तरीके से कुछ लग जाएगी ना तो आई डोंट थिंक कि ये किसी को पता भी चलेगा कि हाँ भाई इसके ऊपर अच्छे से लग गई, मेरे को तो पता नहीं भाई इसको कैसे लगाना है, जैसे लगेगी बढ़िया तरीके से वो चीज़। यहाँ पे मेरे को टाटा पंच के अंदर एक चीज़ थोड़ी सी मतलब कंप्लेन वाली लगी है, यहाँ पे टाटा को ये व्हाइट कलर ना देके कोई दूसरा कलर देना चाहिए, तो जो मेरी प्रेफरेंस मुझे लग रही है बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा, या फिर अगर काफ़ी लोग इसके ऊपर रैप वैप करवाना चाहें तो वो तो अपनी पर्सनल चॉइस है। ये देखो फ्रंट की ड्राइवर साइड सीट जो वो भी 6 एडजस्टेबल मिल जाती है इस वेरियंट में, और जो सीट कवर्स हैं वो एक बार चेकआउट कर लो आप पूरे ऊपर तक, फिटिंग इसकी चेकआउट कर लो प्रॉपर भाई, अपना जैसे साका वाला कपड़ा होता है या फिर आप लोग कह सकते हो इम्पोर्टेड लेदर जो होता है वो वाले कपड़े के अंदर इसको प्रॉपर रैप कर दिया है। नहीं है
रियर में आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ कराने की जरूरत है नहीं, एलईडी लाइट्स आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। रिफ्लेक्टर के अंदर यहाँ पे अगर चाहो तो लगवा सकते हो रिफ्लेक्टर वाले मैट्रिक्स, वो भी पता नहीं आई थिंक कंफर्म करके बता दूंगा ये अवेलेबल है या फिर नहीं है। दो रिवर्स पार्किंग सेंसर आते हैं यहाँ पे, पंच की ब्रांडिंग मिल जाती है, रिवर्स पार्किंग कैमरा इसके अंदर ऑलरेडी आता है और और इसके अंदर आपको पार्शियल ट्रे भी ऑलरेडी मिली जाती है, तो इसके अंदर भी आपको ऐसा कुछ करवाने की जरूरत है नहीं है। छोटा सा बूट स्पेस है, छोटा सा क्या मतलब अच्छा खासा है गाड़ी के हिसाब से, जिस हिसाब आपकी गाड़ी है उस हिसाब से बूट स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, देखो भाई काफ़ी हद तक इसके अंदर काम हो ही चुका है, मतलब ज़्यादा कुछ इसके अंदर दिखाने वाला था नहीं, टॉप से नीचे वाले वेरिएंट में क्या ही ज़्यादा कुछ दिखाऊंगा। तो इसके अंदर यहाँ पे भाई आपको नीचे की तरफ में मिल जाएंगे पंच की स्कफ प्लेट, जिनका मैंने चाहते थंबनेल वगैरह के अंदर भी फोटो लगा रखी होगी, जो देखने में काफ़ी अच्छी सी लग रही है, काफ़ी सेटल था डिज़ाइन। और उसके अंदर दो कलर मिलेंगे, एक वाइट भी मिलेगा, वाइट भी मिलेगा और एक रेड भी मिल जाएगा। तो भाई रेड वाला नहीं वाइट वाला लगवाना, वो थोड़ा ऐसा लगता है ज़्यादा प्रीमियम था। और जो ओरिजिनल टाटा वाली आती है वही मिल जाएगी, वो तो स्टील की आती है, वो स्टील वाली ना, अगर देख लो भाई ओरिजिनल चाहिए तो वो देख लेना, बाकी कलर वाली है अवेलेबल है। पीछे की भी दिखा देता हूँ, हमारी पीछे की भी देख लो, पीछे वाली देखो कुछ ऐसी मिलेगी। इसके ऊपर इसके ऊपर अभी ना पन्नी लगी हुई है, तो इसके ऊपर भाई देखो ये पन्नी लगी हुई है अभी, इसलिए ऐसी दिख रही है, वाइट वाली उतर जाती है। और सीट कवर्स मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया फुल बकेट के अंदर, इसके अंदर सीट कवर्स इंस्टॉल करे हुए हैं। इसके अंदर सुबह भाई कुशनिंग थोड़ी सी इंक्रीज करी है, हाँ इसके अंदर देखो अलग से कुशनिंग जो है ना वो इंक्रीज करी हुई है, जब ये थोड़ा सा मोटा मोटा कंफर्टेबल सा नजर आ रहा है। बाकी इंटीरियर के अंदर और चीज करवाने को ये वाइट है, इसके अंदर चाहो तो इसके ऊपर रैप करवा सकते हो, वाइट तो कुछ टाइम के बाद गंदा हो जाएगा या तो फिर भाई इसको मेंटेनेंस इसकी थोड़ी सी हाई होगी, बाकी ये कि हाँ गाड़ी के अंदर काम प्रॉपर हो जाएगा। अभी भाई आगे प्रॉपर लाइट्स का काम चल रहा है, लाइट्स का काम कंप्लीट होने के बाद थ्रो वगैरह चेकआउट करते हैं फटाक से।